आज एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बतलाना है जो मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। शुक्र नीतिसार का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर चलता है। पूर्व जन्म में जैसा कार्य किया उस आधार पर वर्तमान जीवन में मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस जन्म में मनुष्य जैसा कार्य करता है दोनों कार्य के आधार पर मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त देव का भी महत्वपूर्ण स्थान है जिसके आधार पर मनुष्य का भाग्य निर्माण होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य को भाग्य के भरोसे बैठकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को तत्पर रहकर कार्य करना चाहिए, तभी उनका जीवन सार्थक हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान जीवन में मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर और वर्तमान जीवन में कर्मों के आधार पर इसके अतिरिक्त देव एक कर्ता के रूप में मनुष्य का भाग्य का निर्माण करता है। यही मुख्य सार है शुक्र नीतिसार का सिद्धांत। धन्यवाद।